अब इस चैप्टर का चौथा और आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इस टॉपिक के अंदर हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला होता है वह पढ़ेंगे, और इसके बाद हम एक स्पेशल टाइप के पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास की बात करें, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास और उसका साइज तथा पॉलीमर की स्ट्रक्चर मिलकर के पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि विस्कोसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर उस पॉलीमर की टफनेस, ये सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी को पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास, साइज और स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। हम सभी को पता है कि पॉलीमर का जो मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल होता है, मतलब उसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी वजह से उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वह भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी रेंज लगभग 10^3 से 10^7 AMU के बीच होती है। और हम जानते हैं कि यह जो बड़ा मॉलिक्यूल है वह छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं उनकी रिपीटेशन से बनता है, और उन यूनिट्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं। अब क्योंकि जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल हैं उनकी चेन्स अलग अलग लेंथ्स की होती हैं, इसीलिए हम पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास की जगह उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमेशा कंसीडर करते हैं, जिसको भी दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और एक वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो देखते हैं कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे निकालते हैं। इसको हम इस प्रकार से सिंबल द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के टोटल मास को, मतलब पॉलीमर के टोटल मास को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स से। इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ MINI डिवाइडेड बाई सम ऑफ NI, जहां पर NI होता है नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स और MI होता है मास ऑफ ए पॉलीमर मॉलिक्यूल।